हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमपीएस इंफोटेक्निक्स की। क्या चल रहा है इस कंपनी में, क्या होने वाला है और इसके टारगेट क्या होंगे और इसमें प्लस एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहें और जो भी चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस अभी चल रहा है 1 रुपये 65 पैसे, जो कि आज ये अपर सर्किट में ही ओपन हुआ है। और वहीं अगर BSE की प्राइस की बात करें तो BSE में इसका प्राइस चल रहा है मात्र 56 पैसे। अभी BSE और NSE के प्राइस में ज़मीन आसमान का अंतर है, कम से कम 1 रुपये से ज़्यादा का दोनों में अंतर है। तो फ्रेंड्स, जिस किसी को भी इसमें फ्रेश एंट्री लेनी है तो कोशिश करें BSE साइट पर जाएँ और उसमें एंट्री लें इसमें, क्योंकि दोस्तों जो NSE की साइट पर इसकी ग्रोथ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन अब वहीं अगर हम BSE की साइट पर बात करें तो इसकी ग्रोथ अभी ना के बराबर की हुई है। अगर दोस्तों आपको BSE की साइट पे इसमें फ्रेश एंट्री लेने का मौका मिलता है तो दोस्तों आपको इन फ्यूचर बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स जिस तरह से लोगों को NSE साइट पे प्रॉफिट हो रहा है, जैसे कि उन्होंने 5 पैसे पे इसको बाई किया था, आज ये शेयर 1 रुपये 65 पैसे पे आ चुका है। उसी प्रकार अभी जो BSE साइट पे प्राइस चल रहा है उसमें भी ग्रोथ आनी बाकी है। और जिन लोगों को NSE साइट पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है वो दोस्तों अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकाल के चलें, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट इसमें निकाल लेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी इसके अंदर, चाहे प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए। और वहीं अगर इसमें BSE साइट की बात करें तो दोस्तों अगर आपको मौका मिले तो इसके अंदर अपना ऑर्डर प्लेस करें, क्योंकि दोस्तों अभी इसकी जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी ये बहुत ही आगे बढ़ेगा। अगर इनके टारगेट की बात करें तो इसका मिनिमम टारगेट 3 रुपये निकल के आ रहा है, चाहे हम NSE साइट की बात करें या BSE साइट की बात करें, दोनों का प्राइस टारगेट आ रहा है 3 रुपये। और दोस्तों एक बात और, आने वाले समय में IT सेक्टर के कोई भी शेयर हो, चाहे पेनी शेयर हो या मिड कैप कंपनी हो या लार्ज कैप कंपनी हो, सारे शेयरों में बहुत ही ज़बरदस्त उछाल आने वाला है। और अगर इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी ने अपना जो अनऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट था इसने पेपर में भी पब्लिश किया हुआ है। जैसे कि आप देखते हैं ये जो खबर है ये 27 जनवरी की है, 27 जनवरी 2022 की इन्होंने एक न्यूज़पेपर में, जिस पेपर का नाम है बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी और इंग्लिश, इस न्यूज़पेपर में इन्होंने अपना अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश किया हुआ है, जिसको देख कर लगता है कि कंपनी का प्रमोटर और जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो अपनी कंपनी को लेकर सीरियस हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में हमें प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो इंक्रीज होते हुए दिखे। तो फ्रेंड्स, अभी इस कंपनी में मौका है अपनी एंट्री बनाने का। जो भी इसमें अभी फ्रेश बाइंग की सोच रहे हैं तो वो BSE साइट पर जाएँ, वहाँ पर इसमें फ्रेश एंट्री लें। और अगर आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिली तो आप NSE साइट पर भी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका जो विजन है बहुत ही बड़ा विजन है और इन फ्यूचर ये इसमें इसमें जो टारगेट निकल के आएगा वो कम से कम 5 रुपये 10 रुपये निकल के आएगा। और अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में लगभग 1 हफ्ते से गिरावट आ रही है, और वहीं दूसरी तरफ इस शेयर में कोई रिकॉर्ड नहीं आई। बीच में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर से ये शेयर अपने अप ट्रेंड में चला गया। जब इस शेयर का RSI 100 पे पहुंच जाएगा तो इसके अंदर हमें थोड़ी रिकावट दिख सकती है। बट दोस्तों जिन लोगों ने इसमें 5 पैसे 10 पैसे पे इसमें एंट्री ले रखी है उनको लगभग 10 गुना 20 गुना पैसा मिल रहा होगा, उनको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो अगर वो चाहें तो इसके अंदर अपनी थोड़ी थोड़ी प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं। और जो लोग इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, वो उसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।